हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्य श्रद्धा किचन। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग सा आपको ये दिख रहा होगा ना, बहुत ही टेस्टी सा है, यकीन मानिए। और इसे बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे एक कटोरी मैदा। और यहाँ पर आप कोई भी कप कटोरी मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे नॉर्मल घर की स्पून से, बड़ी जो चम्मच होती है ना, उसी चम्मच से हम इसमें डालेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल मैदे में 2 चम्मच बेसन का यूज़ किया है। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नमक 2 पिंच के आसपास, और इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर ऑयल आपको डालना है, और ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आनी चाहिए, हम इसीलिए इसमें ऑयल डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये अच्छे से बंध रहा है। अब इसी के साथ इस बिल्कुल ठंडे पानी से इसका हमें डो लगाना है, सॉफ्ट डो लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है और बहुत लूज़ नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, डो सख्त भी है और सॉफ्ट भी है। तो अब यहाँ पर इसे हम रख देते हैं रेस्ट पे। ठंडे पानी से क्या होगा ना, ये थोड़ा क्रिस्पी बनेंगे। अब इसे मैं कवर कर देती हूँ और रखती हूँ इसे साइड में। और यहाँ पर देखिए, मैंने आलू को बॉयल कर लिया था। मैंने यहाँ पे 2 बड़ी साइज़ की आलू ली थी, उसे उबाल के छील के ठंडा कर लिया था और उसे ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटी हुई प्याज। और यहाँ पर मिर्च को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया 2 चम्मच धनिया पत्ता कटा हुआ, और साथ ही इसमें डालेंगे नींबू का रस, लेमन जूस। अब यहाँ पर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। 1 छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे आलू दम मसाला, जो आता है मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसका यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर जो है इसके अंदर आप आता है ना गरम मसाला, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे। तो 1 छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्पून हटा दिया, हाथों से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर ये डो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, मिक्स हमारा। और डो को हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा डो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, मीन सेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम एक बड़ा सा पेड़ा कट करेंगे। तो पहले मैं इसे हाथों से हल्का सा मल लेती हूँ, इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक छोटा सा इसका पेड़ा कट कर लिया है। और जो बचा हुआ डो है उसे हम फिर से कवर करके साइड में रख देंगे। और लेंगे एक चकला और उसके ऊपर हम इसे रोल करेंगे, और इसको ना हम बेलने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हल्का सा मैदा इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। मैदा लगाने से क्या होगा ना, अगर मान लीजिए ये चिपकता है तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। वैसे हमारा डो इतना परफेक्ट है कि नहीं चिपकेगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से चकले पे मैदा लगा लिया है, और इसे हम थोड़ा सा प्रेस करते हुए बेलते जाएंगे। और इसे हमें ना बहुत पतला नहीं बेलना है, बहुत मोटा नहीं बेलना है, मीडियम थिकनेस का बेलना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप आराम से इसे बेल सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डालेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग को हम स्पून में लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ ना वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्टफिंग को फैला दिया है। अब इसको हम हाथों से प्रेस करते हुए रोल कर देंगे, और बिल्कुल चटपटा सा, बहुत ही टेस्टी सा हमारा नाश्ता बनेगा। तो देखा ना आपने, ये कितना इजी है बनाना। और इसे इस तरीके से जब हम पूरा रोल कर लेंगे तो फिर इसे पीछे रखेंगे चकले पे, और इस तरीके से आगे की तरफ इसे हम प्रेस करते हुए, बहुत ही लाइट हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से इसे हम प्रेस करते हुए इस तरीके से रोल करेंगे। और यहाँ पर देखिए, इसे मैंने 3 से 4 बार इस तरीके से कर लिया है। अब मैं एक नाइफ़ लूँगी और नाइफ़ की हेल्प से ना इसे मैं कट कर लूँगी। तो साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं, बट याद रहे सारे जो पीस है ना वो सेम रहेंगे तो देखने में अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसे मैंने कट कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस बताती हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या किया है, मैंने हल्का सा मैदा डस्ट किया है ताकि बिल्कुल भी चिपके नहीं, और हाथों में भी लगा लिया और इस तरीके से प्रेस कर दिया। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है ना। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा भी बेल लिया है। अब इसका मैं आपको दूसरा डिज़ाइन बताऊँगी।
आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। और यकीन मानिए, आप एक बार बनाएंगे ना तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बहुत ही फटाफट बन जाता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। और आप चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं, मीन्स अगर आपने इसे बना लिया तो आराम से आप इसे फ्रिज में रख के 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। एयरटाइट कंटेनर में आप इसे बना के रख दीजिए और फिर जब आपको यूज़ लगे, सर्व करना हो, तो फिर आप इसे फ्राई कीजिए। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि मैंने साइड में रखा और रोल करके इसे हल्के हाथों से प्रेस करके इस तरीके से बना दिया। तो ये दोनों ही डिज़ाइन आप ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके अंदर 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है और इसी में इसे हम फ्राई करने वाले हैं। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ऑयल का यूज़ किया है। और यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसे हमें सेकना होगा, तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और इसे हमें लगातार उलटते पलटते चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो कम ऑयल में, कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता हो गया ना बनके तैयार। तो यहाँ पर देखिए, ये भी हमारा तैयार हो गया है। उलट पलट के आपको इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, सेक लेना है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इसे क्या करूँगी, मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्लेट में इसके ऊपर टोमेटो केचप डाल दिया है और ये मैं अपने तरीके से सर्व कर रही हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने डाला है दही, इस दही में मैंने 1/2 चम्मच चीनी डाला है जो पीसी हुई आती है उसे, और इसके बाद इसको मैंने फेंट लिया है। अब इसके ऊपर मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है। और अभी ही देखिए, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने का मन नहीं हो रहा है आपका, ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर मैंने डाला है चाट मसाला, मिर्ची पाउडर और ज़ीरा पाउडर, काला नमक। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हरी चटनी। तो ये हरी चटनी डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैंने मीठी चटनी का यूज़ नहीं किया, मैंने इसके ऊपर डाला है टोमेटो केचप और उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा आलू भुजिया। तो बस ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप जिसको भी देंगे ना, बहुत ही मज़ा, बहुत ही चटकारे ले लेके खाएंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कहीं कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।